ये रहे पेपर्स। प्रेम को बाहर ले जाने की परमिशन ली है मैंने अदालत से। दरअसल उनकी माँ की तबीयत काफी खराब है, काफी नाजुक हालत है उनकी। बार बार प्रेम को याद कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि अगर प्रेम आके उनसे एक बार मिल ले तो शायद उनकी हालत में सुधार आ जाएगी। पटेल, प्रेम को बाहर ले करो। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। वो एक्चुअली कल्याणी जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसका इस केस के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध है। मैं इस हमले के खिलाफ कंप्लेन लिखवाना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि कल्याणी जी और नंदिनी दोनों पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल में भी कल्याणी जी की जान को खतरा है। जिसने भी हमला करवाया है वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट था कि अगर हो सके तो उन्हें प्लीज पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रेम के साथ मैं भी हॉस्पिटल चल रहा हूँ और फिर जनता की सेवा करना हमारी ड्यूटी है। सो यू डोंट वरी। थैंक यू सो मच। क्या हुआ सुमति? मुझे इस तरह अचानक जेल में? नंदिनी ठीक तो है ना? हाँ प्रेम, नंदू बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली कल्याणी जी तुम्हें याद कर रही थी। सुमति क्या हुआ है? क्या हुआ है माँ को? माँ ठीक तो है ना? हे भगवान, मैं प्रेम को कल्याणी जी के बारे में कैसे बताऊंगी? मैं पागल दिखती हूँ? पागल दिखती हूँ मैं? मैं कह रही हूँ कृष्णा जिंदा है। पापा, कृष्णा जिंदा है, मैंने बात तक की है, देखा है मैंने उससे। माझे और विश्वास तुम्हें कहीं नहीं करा। आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हैं? कुछ और बात करते हैं ना। नहीं, क्यों करूं मैं और कोई बात? मैं वही बात करूंगी। कृष्णा जिंदा है, मैंने देखा है उससे, मैंने बात तक की है उससे। आप लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं पापा? देश पांडे जी, सोनाक्षी, प्रांजपी जी जरा मेरे साथ में आइए प्लीज। सोनाक्षी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो अपने बुने हुए जाल में बुरी तरह से उलझ चुकी है। बहुत ख्याल रखना होगा आपको। पापा, मम्मी। चुप हो चुपा। पापा, पापा, मुझे मम्मी से मिलना है। मुझे मम्मी से मिलना है। डॉक्टर, कल्याणी कैसी है? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक हो गया? डॉक्टर, वो आई ठीक तो हो जाएंगी ना वो? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली बहुत ही टफ केस था। हमें तो लगा कि शायद, पर हमें भी हैरानी कि कल्याणी जी का ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि उनके होश में आने के बाद किसी भी किस्म का मेंटल या इमोशनल शॉक उन्हें नहीं लगना चाहिए, अन्यथा उनकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। ऑब्जर्वेशन रूम में सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं किसी किस्म की रिस्क नहीं लेना चाहता। आप बेफिक्र रहिए, हॉस्पिटल स्टाफ या डॉक्टर के अलावा किसी को भी ऑब्जर्वेशन रूम में जाने की परमिशन नहीं है।
यहाँ तक कि घर वालों को भी तब जाने दिया जाएगा जबकि वो होश पाए, तब तक आप लोग बाहर इंतजार। ऐसे कैसे निश्चिंत हो जाए, कहीं कोई? अब निश्चिंत रहिए, सुमी कोर्ट गए प्रेम को लाने के लिए, साथ ही साथ वो कल्याणी जी की प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगी, और वैसे भी हम सब यहाँ हैं ना, हम सब सुरक्षा के लिए आसपास रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपने कल्याणी के लिए जो भी किया, I'm very thankful to you। अरे ये आप कैसी बातें कर, ये तो हमारा फर्ज है, it's our duty। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी बहू नंदिनी ने कल्याणी जी को हॉस्पिटल लाने में जो हिम्मत दिखाई, उसी की बदौलत हम कल्याणी जी को बचा सके। मतलब अगर वो बच गई तो फिर किसी भी कीमत पर मैं नहीं बच पाऊंगा, और इसका मतलब यही है कि अगर मुझे बचना है तो कल्याणी जी को मरना ही होगा। पर कैसे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि पुलिस यहां आ जाए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कृष्णा, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं। जल्दी बताओ, फुटेज मत खाओ। सर ऐसा लगता है कि नंदिनी और सोनाक्षी ने कोर्ट में जो भी कुछ कहा वो सब सच है। मैंने कहा फुटेज मत खाओ, पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ कहो, कम टू द पॉइंट, स्पीक। सर कल्याणी राज अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? सर आज कल्याणी राज अध्यक्ष और नंदिनी जब अदालत में कृष्णा के जिंदा होने के सबूत लेकर वापस आ ही रही थी, पर उससे पहले उन पर जानलेवा हमला हो गया, और ये भी मालूम पड़ा है कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। Are you sure, न्यूज़ पक्की है? Yes, sir। और ये भी पता चला है कि कोर्ट ने प्रेम को कल्याणी राज अध्यक्ष से हॉस्पिटल में मिलने की अनुमति दे दी है। कैसी, मुझे मां से मिलना कायम। प्रेम, आई का भी ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स ने कहा है सब ठीक है, लेकिन अभी भी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। ये सब उस कृष्णा की वजह से हुआ है। एक बार वो कृष्णा मेरी नजरों के सामने आ जाए, इस बार उसे मैं ऐसा ऐसी बात भी मत कीजिए, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती प्रेम, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। हाँ हाँ प्रेम, नंदू बिल्कुल सही कह रही है, कृष्णा दादा चाहे कुछ भी कर ले, इस बार वो कानून को धोखा नहीं दे पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कल्याणी जी होश में आ जाए तो पुलिस खुद उनका बयान लेगी। हाँ प्रेम, सुमी सही कह रही, आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत डर लगता है। We'll be right back.
लड़की जिंदा रह सकता है कल्याण जी? मैं आपके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, अब मैं क्या करूँ? मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। या तो आप जिंदा रह सकते हैं या फिर मैं, और अगर आप जिंदा रहेंगी तो मैं तो क्या, सॉरी कल्याण जी, मुझे माफ कर दीजिए। और कोई दूसरा चारा नहीं। क्या बोलना चाहते हो? क्या बोल? डॉक्टर साहब, आपकी फाइल। क्या हुआ प्रेम? कल्याणी ठीक तो है? पापा वो आई की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर अभी गए देखने के लिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर? शी सिंकिंग। नहीं कर सकती, 20 सफर में मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती।
मैं मानता हूँ कल्याणी की मैं बुरा हूँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, तकलीफ देता हूँ। कल्याणी अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं तकलीफ नहीं दूंगा, मैं परेशान नहीं करूंगा कल्याणी, सच सच कह रहा हूँ कल्याणी, मैं सब ऐसा मत करो। कल्याणी तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? अरे अभी अभी तो मैंने जाना है तुमसे कि सास कैसी होती है, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक भी मौका नहीं दोगी? तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जाए तो अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। हम लोग जाते हैं, चीजें मरू मेरी आत्मा को सुकून मिले तो खुले दिल से मैं भी कुछ कर लीजिए प्लीज। वचन लेना चाहती हूँ मरने के बाद प्रेम का और सारे परिवार का वैसे ही ख्याल रखना। आपको वचन देती, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके आपके परिवार को उतना ही खुश रखूंगी जितना आपने रखा, आपकी हर जिम्मेदारी को निभाऊंगी, हर जिम्मेदारी को निभाऊंगी मैं। कृष्ण न्याय की लड़ाई को अधूरा मत छोड़ना, उसे पूरा करना नंदिनी, मुझे वचन दो। भाई आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरी हर लड़ाई में साथ रही हो और आगे भी रहोगे, आप ऐसी बातें मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। कृष्ण को उसके खेत के दरवाजे लांगे रखना, कृष्ण को उसके खेत के दरवाजे लांगे रहना। नंदिनी मुझे वचन दो, नंदिनी वचन दो मुझे, मेरे पास बहुत कम वक्त है नंदिनी। ढूंढो तो रिश्ते में यहाँ, ढूंढो अपनापन, निभाओ तो निभाओ दिल से दिया वचन, दिल से दिया वचन। पूछो तो सवाल इतना, मतलब क्या है प्यार का, दिल से पूछो अपने ही, क्या ये है सात जन्मों का। निभाओ तो निभाओ दिल से, दिल से दिया वचन, दिल से दिया वचन।